शिमला में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। प्रदेश में भूगर्भीय सर्वेक्षण की मांग। कहा प्रभावितों को मिलना चाहिए 5 बिस्वा जमीन। मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर पहुंचे मंत्री हर्षवर्धन चौहान। आपदा से हुई त्रासदी का लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों से जाना उनका हालचाल। नालागढ़ में स्वास्थ्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात। धनीराम सांडिल ने जाना आपदा प्रभावितों का दुख। समयबद्ध पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध। हिमाचल प्रदेश में आपदा को लेकर हो रही सियासत। पूर्व कृषि मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा आपदा में लोगों को राहत देने में विफल रही कांग्रेस सरकार। शिमला में एबीवीपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का लिया फैसला। विश्वविद्यालय का दायरा घटाने का किया विरोध। कहा 5 जिलों में छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बरोटी बारल डिडणू का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है और राहत पुनर्वास कार्यों को लेकर समीक्षा की है। मंत्री के साथ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर, वरिष्ठ नेता और पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ग्राम पंचायत लहेंगड़ के राजकीय प्राथमिक पाठशाला लंगेहड़ से में बने राहत शिविर में बाढ़ और भारी बारिश से पीड़ित लोगों से मिले और दुख दर्द साझा किया। साथ ही उन्हें राहत प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मंत्री ने लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। आज हमने धर्मपुर विधानसभा के गांव में दौरा किया है और जहां जायजा लिया है। हमारे माननीय विधायक और प्रशासन की इस चुनाव क्षेत्र में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। बहुत लंबे अच्छे से सड़कें बन रही हैं। उधर पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के माध्यम से सड़कें बनी रही है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में निजी रूप से भी लोगों के जो मकान हैं वो भारी क्षति हुई है और बहुत सारे लोग भी अभी घर हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने आज सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल की कई ग्राम पंचायतों में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया है और प्रभावितों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार उनकी यथासंभव सहायता करेगी। सांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण आपदाग्रस्त प्रभावितों के उचित पुनर्वास और सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वो भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का स्वयं जायजा ले रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रभावितों को उचित राहत और पुनर्वास के साथ साथ सहारा मिले। उन्होंने सोलन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान की वास्तविकता जानी और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुरूप कहीं भी राहत एवं पुनर्वास में कमी न रहे। पहले दिन से करें, जहाँ भी त्रासदी वहाँ खुद जाते हैं और हम लोगों को एक एक जिले के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा गया कि आप वहाँ की समस्याओं को स्वयं देखें। तो मैं इसीलिए स्वयं आया हूँ और आप लोग हमारे सब रैंक एंड फाइल है। मेरे साथ केएल वर्मा जी हैं, हमारे साथ दीप बाबा जी हैं और सभी जितने भी यहाँ पे कृष्णा खुद आई है, मेरी जो छोटी बहन है, ये अपने इलाके से जो आप जानते हैं यहाँ पे आपके प्रधान है 20 साल बाद कितनी बार आपकी करती। तो सभी को चिंता है कि भाई हम अपने लोगों को सुख सुविधा पहुँचाएं, सुरक्षित जगह में रखें और ताकि उनके बच्चों की शिक्षा वो भी चलती रहे और आपका जीवन यापन भी पटरी पे आए। शिमला में पूर्व मंत्री कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आपदा को लेकर कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा में लोगों को राहत देने में विफल रही है। वहीं आपदा की इस घड़ी में भी कांग्रेस सरकार केवल राजनीति कर रही है, जबकि आपदा में राजनीति छोड़कर सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल को केंद्र से पूरी मदद मिल रही है और वहीं कांग्रेस बड़ी बड़ी गारंटियां देकर भी पूरा नहीं कर पाई है। जहाँ जहाँ भी हमें आपदा में जाने का मौका मिला है, मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर
हर घर तक जो है वो पहुंचा है। बहुत सारे घर जो है वो मेरे अनसेफ हैं, प्रशासन वहां तक गया लेकिन सहायता जो है वो किसी को नहीं दी। अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारा मैं तो वहां पर जाकर के भी प्रशासन को फोन किया, ये घर जो है वो अनसेफ है, अगर एक बारिश पड़ी तो ये परिवार जो है वो संकट में आ जाएंगे। लेकिन उनके कहीं विकल्पी व्यवस्था भी जो थी वो नहीं की। मैंने उनसे आग्रह किया लोगों से कि आप ठहरने के लिए जो है कुछ दूसरे घर में जो है वो अपनी व्यवस्था करें। और वहीं शिमला में बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला और उन्होंने उन्हें ज्ञापन सौंपा। सुरेश कश्यप ने बताया कि एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है जिसमें हमने उन्हें बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण बड़ी आपदा आई है जिसके कारण प्रदेश में भारी जानमाल की क्षति हुई है। लोग अपना घर गांव छोड़कर शरणार्थियों की तरह जीवन जीने के लिए विवश हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश और शिमला संसदीय क्षेत्र के क्षतिग्रस्त इलाकों का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाना जरूरी है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस क्षेत्र में वहां की भूमि रहने लायक है और नहीं है। जिन लोगों की भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है उनको भूमि के बदले दूसरे स्थान पर भूमि आवंटित की जाए। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल महोदय से मिला और जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई है, विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से भारी नुकसान हुआ है, इसको लेकर महामहिम राज्यपाल से हमने महामहिम महोदय से आग्रह किया है कि इस त्रासदी के कारण जो विभिन्न लोगों की भूमि क्षतिग्रस्त हुई है, जहां पर भारी स्लाइड आ गया है, पहाड़ दरक गए हैं, उन लोगों को भूमि के बदले भूमि की व्यवस्था की जाए, उनको भूमि के बदले भूमि दी जाए। इसके अलावा जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको उचित मुआवजा, उनको राहत मिले। अगली खबर शिमला से है जहां स्लॉटर हाउस को लेकर विवाद हो रहा है। इसी को लेकर मेयर के समर्थन में कृष्णानगर से नॉमिनेट पार्षद विनोद भाटिया उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि सदन में मेयर ने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा है, बीजेपी पार्षद के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णानगर में बीजेपी पार्षद के कार्यकाल में स्लॉटर हाउस बना था, उस समय क्यों नहीं विरोध किया गया। देखिए जो सदन में हुआ वो सभी को पता है। मेयर साहब ने उन्हें पूरा समय दिया, उनका वक्त आने से पहले उन्होंने हाउस लगने से पहले ही हल्ला डालना शुरू कर दिया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसने मेयर जो हाउस का डेकोरम होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो पहले ही इस चीज़ को ज़्यादा बवाल पैदा कर दिया। वो जो स्लॉटर हाउस का मुद्दा है, स्लॉटर हाउस का जो भी मुद्दा है उसमें उस टाइम रजनी पार्षद थी, जो भाजपा की पार्षद थी, उन्होंने उसको विरोध करना चाहिए था लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार द्वारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। वहीं एबीवीपी का कहना है कि ये शिक्षा के प्रति वर्तमान सरकार की नकारात्मक सोच को दर्शाता है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 5 जिलों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं एबीवीपी के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंतर्गत प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के 141 के करीब महाविद्यालय आते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 22 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के दायरा घटाने को लेकर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है और विश्वविद्यालय का दायरा घटाने का विरोध किया है। 22 तारीख को हिमाचल में कैबिनेट की बैठक हुई। बहुत दुख के साथ आपके सामने ये कहना पड़ रहा है कि उस बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उसके दायरे के अंदर जो 5 जिलों के कॉलेजेस आते थे उसको कम कर दिया गया है, केवल मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के कॉलेजेस के अंदर आएंगे। और कुल्लू की मैं बात करूं तो कुल्लू में भी जो अपना आनी है, आनी के साथ आनी और निर्मंड का जो कॉलेज है वो कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के ज्यूरिस्डिक्शन से हटा दिए गए और केवल मंडी और उसके आसपास के एरिया के जो कॉलेजेस है मात्र 3 हटा दिए गए, तो 2 कॉलेजेस के 2 जिलों के कॉलेजेस को एफिलिएशन उससे प्राप्त होने वाली है।
कुल्लू में अब साहसिक गतिविधियों में शामिल पैराग्लाइडिंग पर पर्यटन विभाग की नजर रहेगी। वहीं पर्यटन विभाग के द्वारा पैराग्लाइडिंग फ्लाई के लिए भी एक दिन में 4 फ्लाई तय किए गए हैं, तो वहीं उससे ज्यादा कोई पायलट अगर फ्लाई करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। वहीं अब विभाग के द्वारा जो फ्लाई के रेट तय किए गए हैं उस पर नजर रखने के लिए भी सभी पैराग्लाइडिंग साइट पर 4-4 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं इसमें पैराग्लाइडिंग संगठन के सदस्य भी विभाग की मदद करेंगे और इसी के साथ ही पैराग्लाइडिंग संगठन और विभाग के द्वारा तैनात कर्मचारियों के द्वारा सभी ऑपरेटर को टोकन भी दिया जाएगा और टोकन के हिसाब से ही फ्लाई तय की जाएगी। पैराग्लाइडिंग की जो फंक्शनल है कुल्लू मनाली में, जिला कुल्लू में, हमने उन सभी एसोसिएशंस के साथ जो है आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है और उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमने लिए हैं इन व्यू ऑफ सेफ्टी ऑफ पैराग्लाइडिंग और इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि पीछे कुछ समय से हमने देखा कि कुछ हादसे भी हुए हैं और कुछ में जो है वो लोगों की लापरवाही भी जो है सामने आई है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो निर्णय लिया गया है और इसमें जो है वो हाईकोर्ट ऑनरेबल जो हमारे हाईकोर्ट है उनका भी ये ऑर्डर्स हैं कि मार्शल्स जो है वो अपॉइंट होंगे सभी जितनी भी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। ये मार्शल्स जो होंगे वो एक उनका जो मैंडेट होगा वो ये होगा कि कोई भी फ्लाई जो हो रही है जो रजिस्टर्ड साइट से उस साइट पे जो है वो रेगुलेट करेंगे फ्लाइंग को। सिरमौर जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संघडाह में टीचिंग स्टाफ और भारी बसों की भारी कमी को लेकर के विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों ने आगामी 4 सितंबर को मुख्य बाजार में प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। क्षेत्र में बसों की भारी कमी और नई एचआरटीसी बस न लगाई जाने के चलते कई छात्रों को 7-7 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ी। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि इस कॉलेज में साइंस के जहां एकमात्र असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहीं कॉमर्स के सभी पद खाली हैं। परिषद पिछले 4 साल से उक्त मुद्दों को लेकर न केवल स्थानीय एसडीएम, एमएलए, जिला परिषद अध्यक्ष और कॉलेज प्रिंसिपल को कई बार ज्ञापन दे चुका है बल्कि रैलियां और चैन हंगर स्ट्राइक भी कर चुका है, लेकिन आज तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।